सोमन बिलाला ने मंच से कहा कि रेंजर की परेशानी है। मुझे याद है 2006 डिगडोली में बड़ा सम्मेलन किया गया था, किसी रेंजर की जरूरत हुई थी मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को अपने जमीन से खदेड़ने की। मैंने उस मंच से कहा था बहोरी में या तो वो रेंजर रहेगा और या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा। रेंजर का प्राण पर करके ही हम लोग ने चैन की सांस ली। ये शुक्ला जी, कल सिंह जी, पूनम पटेलिया जो आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको भी याद रखता हूं उस मंच से। हम लोग मुख्यमंत्री के निवास पे गए भोपाल में। आप चिंता मत करो, अगर किसी रेंजर की जरूरत हुई मेरे आदिवासी समाज से, अगर एक रुपया लेने के लिए जो ज्योतिराज सिंधिया खड़ा है आपके साथ, आप चिंता मत करना। मैं सोमन जी को मैंने कहा है लिस्ट लेके मेरे पास आना, मैं देखूंगा मेरे आदिवासी समाज का हक कोई भी यही छीन ना पाए और आपका हक से आप वंचित ना हो पाए। ये सिंधिया परिवार का सौगंध है और संकल्प है। आपने सदैव 250 वर्ष सिंधिया परिवार के मुखियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी विकास और आपकी प्रगति में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा। ये घबराए हुए लोगों के बयान है, ये दलितों के काय के संपर्क आए, क्या दलितों का इनसे, कौन सा दलित है जो कहता है कि सिंधिया जी हमारे साथ हैं? ये फालतू बिल्ली चूहे को समझा रही है कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे तुम्हारे संबंध रहे हैं। अब चूहा समझ में आ गई उसमें, हाँ हमारे इनके रिश्ते हैं, चला गया तो चूहा भोजन बनेगा। ये कोई बयान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकुलर समाज फासिस्ट लोगों के चंगल में फंसने वाला नहीं है। ये सिंधिया जी उस पार्टी में जो फासिस्ट पार्टी है, और सेकुलर लोग फासिस्ट में जा ही नहीं सकते, मैं दावे से कह सकता हूँ। कितने भी अभी उन्होंने पैर धो करके कहा है कि तुम खुश हो कि नहीं हो, बिल्ली चूहे के पैर धो करके कहो तुम खुश हो तो चूहा खुश तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में भोजन भी तो बन जाएगा नहीं। तो ये कोई मतलब नहीं है। फासिस्ट लोग इन वर्गों के खिलाफ ही उनकी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बनी है इन वर्गों के खिलाफ बनी है, वो पार्टी कभी इनके पक्ष में नहीं आ सकती। मध्य प्रदेश में 80% से ज़्यादा जनता बीजेपी को हटाने के मूड में आ चुकी है। मैं घूम रहा हूं, मैं सबका मन देख रहा हूं और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 MLA भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर ले। अच्छा, दूसरी